यस गाइस हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप हम लाइव जा चुके हैं आपको मेरी आवाज़ सब क्लियर होगी चलिए हेलो सुनील हलो रूनी कैसे हो आप चलिए तो वेलकम मैं आप मैं काव्य गौर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स क्रैक एन टी यू जी सी नेट एग्ज़ामिनेशन विथ अन अकेडमी ठीक है गायस तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस चैनल पर लेट्स क्रैक एन टी यू जी सी लेट्स क्रैक एन टी यू जी सी नेट एग्जामिनेशन विथ अन अकेडमी मैं बढ़िया सुनील आप बताइए तैयारी वैयारी यू जी सी नेट की लॉकडाउन सब इन्जॉय कर रहे हैं अच्छे से चलिए ठीक है आप मुझे देख पा रहे हैं हैंकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहां आपको टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं सबका क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है प्लस आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है लर्निंग का एक्सपीरियंस जो रहने वाला है वो बड़ा ही बेहतरीन लर्निंग ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस रहने वाला है हेलो अर्श गुड आफ्टरनून हेलो अहमद कैसे हो आप आई होप ईच एंड एवरी वन इज गुड चलिए तो आज के सेशन में गाइज अपन क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हेलो मनोज हेलो निकेश गुड आफ्टरनून आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सारी की सारी डिज़ाइन टेक्निक्स ठीक है अभी तक मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी रैंडमाइज एल्गोरिथम ठीक है एल्गोरिथम हमने कल पढ़ी थी उसके बाद मैंने एन पी कम्प्लीट पी एन पी हार्ड एन पी पी प्रॉब्लम्स एन पी एन पी हार्ड एंड एन पी कम्प्लीट पढ़ा था ठीक है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम कोई भी अपनी एल्गोरिथम को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा दूंगी कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिज़ाइन टेक्निक्स ठीक है कितनी टाइप्स के डिजाइनिंग पैटर्न्स होते हैं लाइक like एक आपको टास्क दे दिया जाए एक आपको टास्क दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो उस टास्क को आप <coughs> उस टास्क को आप कितने टाइप्स में सॉल्व कर सकते हो या तो आप इस पर्टिकुलर फैशन में सॉल्व कर सकते हैं या हम उसमें कंडीशंस डाल के सॉल्व कर सकते हैं या आप उनके सब टास्क फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं या सिर्फ हम सब टास्क को ही को ही सॉल्व कर सकते हैं ठीक है हर एक डिज़ाइनिंग पैटर्न का एक नाम दे दिया गया हर एक डिज़ाइनिंग पैटर्न को बोल दिया गया या तो वो ग्रीडी अप्रोच होगी या डिवाइड एंड काउंकर हो सकती है या बैक बैक ट्रैकिंग हो सकती है या बाउंड चैन ब्रांच एंड बाउंड हो सकती है ठीक है, तो बेसिकली आपके पास सात तरह की सेवन डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क आज के सेशन में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए डेटा स्ट्रक्चर्स में आप किसी प्रोग्रामिंग में फिबना की सीरीज प्राइम फैक्टोरियल फाइंड करना कुछ भी आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए उसको आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो इन कंप्यूटर साइंस ठीक है कंप्यूटर साइंस के साथ टेक्निक्स अपन आज डिस्कस करेंगे कल अपना एस का मेगा मैराथन सेशन है तो डोंट फोगेट टू अटेंड दैट एक बजे ही अपना एस का मेरा मैराथन सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको एस की सारी प्रोग्रामिंग सिखाने वाली हूँ ठीक है उसमें आपको क्रिएट टेबल इंसर्ट डिलीट और फिर सारे के सारे ऑल्टर कमांड सारे के सारे बिटवीन लैन फंक्शन कंडीशन कैसे डालते हो वेयर क्लॉज सब की सब चीज़ें अपन कल सीखेंगे अपने मैराथन सेशन में आज अपन डिज़ाइन टेक्निक सीख रहे हैं और फिर सैटरडे को अपन एक क्विज लेंगे जो हम यूजुअली फ्राइडे को लेते हैं चलिए इस तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू ऑल ताकि अपन अच्छे से कनेक्ट हो जाए और आप लोग मेरे बारे में कुछ जान लो मैं आपके बारे में नाम के अलावा कुछ जानती नहीं हूँ लेकिन इट्स ओके यू आर माई एजुके यू आर माई लर्नर्स ठीक है आपको क्या करना है मेरे से साथ कनेक्ट हो जाना है मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन है एम टेक इन बी टेक आई हैव बीन अ फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर आई हैव असिस्टेंट आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एन कॉलेज आई टी डिपार्टमेंट राइट right नाउ आप मुझे सब आप मुझे रोज एक बजे यूट्यूब चैनल पर राइट देख सकते हो लाइव हम क्या डिस्कस करते हैं हम लेक्चर्स डिस्कस करते हैं पेपर टू दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पर ठीक है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस हमारा डोमेन है जिसके बारे में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं ओके गाइज़ तो दिस वॉज ऑल अबाउट मी आपको मेरे सारे वीडियोज़ देख लो प्लीज़ हमने अभी तक डी बी एम एस यूनिट डिस्कस करी है पूरी ऑलमोस्ट और डेटा स्ट्रक्चर्स हमारी एल्गोरिथम्स के बाद कंप्लीट हो ही जाएगा ठीक है तो मेरे इतने सारे वीडियोस क्रिएट हम कर चुके हैं तो प्लीज़ जाइए पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और आइकन दबा दीजिए अगर नहीं दबाया है तो फिर आपको क्या करना है लेट्स क्रैक एन टी यू नेट इस आइकन को क्लिक करना है या yeah, ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस टॉप ऑप्शन पे इस पेज पे लेके चला जाएगा जिस पेज में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन ढूंढना है इस ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको मेरी चैनल प्ले मिल जाएगी उसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन बाय काव्या ठीक है आपको प्ले लिस्ट पर खोल लेनी है मेरे सारे वीडियोज आज तक अपन ने जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है आपको वो सारे के सारे वहां पर मिल जाएंगे तो जल्दी से जाओ और वो वीडियोज देख लो ओके यस मैम आप कौन सी आर टी यू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुनील चलिए ओके okay गाइज़ तो मैं आपको आप मुझे देख पा रहे हैं अन के इस प्लेटफॉर्म पर अन के प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए हम लोग आपके लिए बहुत ही अलग से बेहतरीन सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आए हैं ठीक है हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको डेली के लाइव क्लासेज मिलती हैं गाइज़ लाइव कंटेंट यानी कि आप लाइव अपने टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हो आपको जो भी डाउट होगा जो भी कुछ पूछना होगा आप पूछ सकते हैं अपने टीचर्स से इंटरक्टिव सेशंस रहते हैं वहाँ पे इमोजीज रहेंगे पोल्स रहेंगे क्विज रहेंगे बहुत ही अच्छी सेशंस होते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे प्रॉपर टाइम टू टाइम आपके लिए एक क्विज अरेंज कराया जाएगा ताकि आप अपना इवेलुएशन कर सकते हो टाइम टू टाइम अपना देख सकते हो कि आपके लूप होल्स हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसपे आपको ज़्यादा काम करना है ओके okay, फिर आपके आते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं यानी अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बेसिकली क्या हुआ एक ही जगह पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपको ये नहीं कहीं और भटकना पड़े अपने कंटेंट के सर्च करने के लिए ठीक है प्लस आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस मतलब क्या हुआ एक सब्सक्रिप्शन प्लान में आप जितने भी एजुकेटर्स के वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं प्लस एक बार आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए आपको जब भी कभी कहीं पे भी बैठ के वो वीडियो देखना है तो आप आराम से उसका फायदा उठा सकते हो ठीक है आप देख पा रहे हो एक मिनट अपन ये ऑफ कर लेते हैं ताकि अपना फुल स्क्रीन रहे यस yes, गाइड आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर आपके टॉप गोल्ड मेडलिस्ट सारे के सारे जे आर एफ क्वालिफ क्वालिफाइड टॉप गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के आपके लगे पड़े हैं आपको सारे के एक एक कंसेप्ट को समझाने में तो कोर्स की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कोर्स सारे कोर्स जिस भी कोर्स पे आप पढ़ना चाहते हैं जिस भी डोमेन को बिलोंग करते हैं सारे कोर्स अवेलेबल हैं ठीक है गाइज सबसे पहले कैसे करो इसको लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्रिप्शन प्लान को रजिस्टर सबसे पहले लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो और मुझे फॉलो कर लेना वहाँ पे जरूर से मेरा नेम आपको मिल जाएगा काव्या गौर हमारे लेक्चर्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं स्पेशल प्लेटफॉर्म पर ठीक है प्लस हमारे सब्सक्रिप्शन कोड पर भी वहाँ पर मंडे से स्टार्ट हो रहा है ओके गाइज तो सब्सक्रिप्टर रजिस्टर कर लीजिए रजिस्टर करने के लिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपना अल्टीमेट एम डालते हैं एन टी नेट आपको ये पेमेंट गेट दिखा देगा ये सारे के सारे ऑप्शन हैं आई मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है स्टूडेंट्स के लिए यू शुड ऑलवेज गो फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स इकोनॉमिकली भी बेनिफिटेड पड़ता है पर मंथ की कॉस्ट बहुत कम है एंड येस गाइज डोंट फोगेट टू तो अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज़ के डबल वी वाई ए काव्या कोड डालना बिल्कुल मत भूलना उससे क्या होगा फ्लैट टेन परसेंट का हाथों हाथ डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ उतनी ही कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी ओके तो काव्य गोड डालना बिल्कुल मत भूलना एच के E Y V -A, K के डब्लू वी वाई ए ताकि आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए और भी बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं अगर आपके पास रेफरल कोड्स ये तो रेफरल कोड ही लगा दोगे कोई डेबिट्स होते हैं कोई कार्ड्स पर पॉइंट्स पड़े रहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए गाइज ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट दिस वॉज ऑल अबाउट अन अकेडमी एंड मी Fine. अब अपन आ जाते हैं आपके आपके पास आपके पास एक नया टॉपिक लेके आज का दैट इज एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स ठीक है एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स आपको याद होगा कि कोई भी कोई भी आप क्वेश्चन लेते हैं ना कोई भी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तो सबसे पहले आपको याद हो तो हम सबसे पहले क्या हो रहा है यस yes. सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम उसकी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं आपको मैंने बोल दिया कि घर बनाना है ठीक है तो घर बनाने के लिए आप ईट पत्थर लेके सबसे पहले चालू हो जाओगे क्या नहीं आप उसका घर का प्रॉपर मैप क्रिएट करोगे कि 10 बाय 10 का ये कमरा होगा उसके पास बालकनी निकलेगी फिर एक बाल किचन निकलेगा इधर पास में किचन निकलेगा एक आप क्या करेंगे उसका पहले घर का मैप बनाते हो और फिर डायरेक्ट जाते हो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फिर उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे ये सारी चीजें अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिसाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर को बनाने के कौन कौन से फेजेस होते हैं ठीक है तो हमने देखा कि हमको सबसे पहले डिजाइन करना बहुत ही जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को हमको अगर सॉल्व करना है तो ठीक है सॉल्व करने के लिए डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट ये हमने देख लिया आपको याद होगा डेटा फ्लो डायग्राम आप बनाते हो सी प्रोग्रामिंग में ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंडीशन लगा दी ए स्मॉलर देन सी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तो हम आ, तो तो हम सी एज एन आउटपुट दे देंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम ए एज एन आउटपुट दे देंगे ठीक है आपको कोई भी कंडीशन डालनी अब चब कंडीशन आपकी हमेशा डायमंड में होती थी ठीक है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने सी आउटपुट दे दिया फॉल्स है तो आपने आउटपुट दे दिया ए फाइन तो ये होते थे हमारे डेटा डिज़ाइनिंग पार्ट्स ठीक है डेटा फ्लो डायग्राम हम बनाते थे ताकि हम क्या कर सकें ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को ना पहले समझ सकें कि बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन हमको किस तरीके से ढूंढना होगा ठीक है तो इसीलिए ये डेटा फ्लो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट थे ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को समझ लें हम उसको एनालाइज़ कर लें और फिर हम उसके सोल्यूशनस को देखें ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि एल्गोरिथम क्या होती है ठीक है व्हाट डू यू व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्गोरिथम टर्म ठीक है तो एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर अ फाइनाइट साइज इनपुट ठीक है एल्गोरिथम क्या होती है बेसिकली एल्गोरिथम वो प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर को फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं ठीक है जिस प्रोसीजर को फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट दे के सॉल्व करेंगे ठीक है दिस इज नोन एज एल्गोरिथम फाइन एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम हमने टॉपिक पढ़ा है पूरा का पूरा ठीक है उसमें सर्चिंग सॉर्टिंग बाइनरी ट्री ट्री लीनियर प्रोग्रामिंग लॉन लीनियर प्रोग्रामिंग एरे लिंग लिस्ट क्यू ये सब अपन पढ़ चुके हैं ठीक है सबको सॉल्व करने का एक तरीका होता है एक एल्गोरिथम होती है ठीक है एल्गोरिथम्स क्या हो गई समझ आ गया पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं हमने बेसिकली एल्गोरिथम्स को तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ठीक है तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया फर्स्ट वन इज इंप्लीमेंटेशन मेथड सेकेंड इज डिजाइन मेथर्ड एंड थर्ड इज अदर क्लासीफिकेशन ठीक है हमने एक तरीके से एल्गोरिथम को बनाने के अलग अलग तरीके हैं तो सुनना क्या क्या तरीके हो सकते हैं ठीक है एक तो एक तरीका हो सकता है कि मैं जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करूँ ना अपने कोड को वैसे वैसे मैं डिज़ाइनिंग करती रहूँ कि अच्छा ये स्टेप आया ए, ए शुड बी ग्रेटर देन ट्रू अगर ये ट्रू हो गई तो मैं बोलूँ कि अच्छा इस फंक्शन को वापस से रिट्रेशन वापस से इटरेट किया जाए ठीक है तो एक हो गया इम्प्लीमेंटेशन के तरीके को हम फॉलो करें एक हो गया हम डिज़ाइनिंग के तरीके को फॉलो करके अपनी एल्गोरिथम को रन करें डिज़ाइनिंग को फॉलो करके स्टेप बाय सॉल्यूशन ऑफ़ एनी प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम जी मनोज बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं अगर तो प्लीज़ ध्यान रखना रोज़ एक बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है तो ये क्लास तो आपको अटेंड करनी ही करनी है कल मेरा मैराथन सेशन है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के ऊपर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए याद से लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका नाम है कंप्यूटर साइंस बाय काव्या ओके गईस यस तो इम्प्लीमेंटेशन मेथड तो क्या हो गया हम उसके प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करें और उसका सोल्यूशन ढूंढें ठीक है डिज़ाइन मेथड्स क्या हो गए डिज़ाइन मेथड्स हो गए हमारे कि मान लीजिए मैंने डिजाइनिंग करनी है मेरे को ये सॉल्व करना है कि सौ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास उन सौ स्टूडेंट्स को मुझे अरेंज करना है एक पर्टिकुलर क्लास में तो वो हो जाएगा मेरा डिज़ाइनिंग मेथड कि मुझे अरेंज करना है कि पचास बच्चे इस साइड बैठेंगे फिफ्टी स्टूडेंट्स इस साइड बैठेंगे एंड सो ऑन आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं, तो आपको आपको एग्जाम देते टाइम ना पता पता होगा कि आप एक पर्टिकुलर मैनर में बैठते हो ऐसे ही रैंडमली जाके नहीं बैठ जाते आप रोल रोल नंबर नंबर के वाइज वाइज में में मैनर बैठते हैं कभी, -कभी आप ID, के में बैठते हैं। और प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट के स्लॉट को एक मेथड्स ठीक है अगर आप इंप्लीमेंटेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो वो तो होगी हमारी इम्प्लीमेंटेशन मेथड अगर हम उसके डिजाइनिंग से सॉल्व कर रहे हैं तो वो हो जाती है हमारे डिजाइनिंग मेथड एल्गोरिथम को सॉल्व करने के तरीके अदर क्लासिफिकेशन में आ जाता है आपके रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम हमने पढ़ा था ठीक है अदर क्लासिफिकेशन में और देखो यहाँ पे रैडोमाइज यहाँ पे भी आता है और इम्प्लीमेंटेशन में भी आता है क्योंकि रैंडमाइज एल्गोरिथम ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या लेते हैं जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लेना रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम लास्ट वेगैस माउंटे कार्लो मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है ठीक है रैंडमाइज एल्गोरिथम में हम रैंडम वेरिएबल लेते थे एक और उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते थे अपनी प्रॉब्लम को ठीक है तो ये इम्प्लीमेंटेशन की कैटेगरी में भी आ गया और अदर क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में भी आ गया ठीक है इन तीन ब्रॉड कैटेगरीज़ में मैं अपने एल्गोरिथम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ ठीक है ये तो मेरी तीन ब्रॉड कैटेगरीज़ हो गई मेरे को अगर किसी भी एल्गोरिथम को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे पास सेवन ब्रॉड टेक्निक्स हैं ठीक है क्लासिफिकेशन डिज़ाइनिंग एंड अदर मेथड्स को अगर मैं समप करूं तो मेरे पास सेवन टेक्निक्स ऐसी फॉर्म हुई हैं जिसकी हेल्प से मैं अपनी एल्गोरिथम को रन करवा सकती हूं ठीक है सेवन टेक्निक्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डि इम्प्लीमेंटेशन डिजाइनिंग एंड अदर कॉम्प्रोजिटरीज ठीक है ये तीन तरीके के बेसिस पे मैंने सात ऐसी डिज़ाइन को फॉर्म किया सात ऐसी टेक्निक्स को फॉर्म किया जिनके बेसिस पर हम अपनी एल्गोरिथम को रन करवा सकते हैं ठीक है कौन सी ऐसी सेवन एक्सरसाइजेस हैं कौन सी सेवन टेक्निक्स हैं वो अपन देख लेते हैं सेलेक्टिंग अ प्रॉपर डिजाइन टेक्निक फॉर एल्गोरिथम इज अ कॉम्प्लेक्स बट इंपॉर्टेंट टास्क ठीक है आपको कौन सी एल्गोरिथम को फाइंड करना है कौन सी टेक्निक को यूज करना है ये बहुत ही क्रूशल टास्क है कैसे क्रूशल टास्क है कि मान लीजिए अगर मुझे इन दस स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना है अपने दस स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना है और मेरे पास जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो मेरे पास सिर्फ आठ ही मेमोरी लोकेशंस हैं मुझे बोल दिया गया कि दस के दस को एडजस्ट करिए ठीक है थीके? तो मेरे पास एक टेक्निक होनी चाहिए मेरे पास एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए कि इन दस को मैं आठ की जगह पर कैसे एडजस्ट करूँगी दो कौन दो को एक साथ बिठाए कौन एक कौन एक को अलग कर दें ठीक है तो जो आपकी एल्गोरिथम का डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है ना आपको बहुत ही क्रूशल रोल है कि सात टेक्निक आपको प्रोवाइड कर दी गई इन साथ में से इस पर्टिकुलर टा, टास्क के लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक मोस्ट अप्रोप्रिएट है ठीक है तो ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है उससे पहले क्या जरूरी है हर एक टेक्निक को समझना कि इस टेक्निक में हो क्या रहा है ठीक है तो जो सेवन टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज सबसे फर्स्ट टेक्निक जो हम देखेंगे आज वो है ब्रूट फोर्स और एग्जॉस्टिव सर्च ठीक है फ़र्स्ट टेक्निक है हमारी ब्रूट फोर्स एंड एग्जॉस्टिव सर्च ब्रूट फोर्स एग्जॉस्टिव सर्च के बारे में आपने सुना होगा बहुत बहुत बार ये टर्म हम यूज़ करते हैं हम जनरल लाइफ डेली लाइफ में भी ब्रूट फोर्स हम टर्म यूज़ करते हैं ठीक है क्या होती है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट टेक्निक हो सकती है मेरे को किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम में फ्रेम करने के लिए टेक्निक मेरी हो सकती है सेकेंड वाली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक ठीक है डिवाइड एंड कॉन्कर हम मर्ड शॉर्ट पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा हल्का सा sort, हल्का सा कॉन्टेक्स्ट की डिवाइड एंड कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या टेक्निक क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं अपन डिवाइड इनको में थर्ड अप्रोच है दिया था रैंडमाइज एल्गोरिथम में लेकिन अपन ने डिटेल में आज इसको पढ़ना है ताकि ये एल्गोरिथम्स के बेसिस पे डिजाइन टेक्निक्स के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आज के बाद कभी ना अटको ठीक है ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या होती है ये अपन आज डिस्कस करेंगे फोर्थ टेक्निक है अपने पास डायनमिक प्रोग्रामिंग ठीक है फोर्थ टेक्निक है हमारे पास डायनमिक प्रोग्रामिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे सर्चिंग सॉर्टिंग क्यू स्टैक इनमें से कौन सी डायनमिक है कौन सी ग्रीडी है कौन सी डिवाइड डिवाइडिंग कौन का है कौन सी ब्रूट फोर्स है ठीक है फिफ्थ है अपनी ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक ब्रांच एंड ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम पहले हम उसका ब्रांच निकाल ब्रांचिंग करेंगे और हर ब्रांच को हम बाउंड कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर से नेट पास किया जा सकता है मैम बिना कोच हाँ जी बिल्कुल उमा देवी बिल्कुल बिना कोचिंग के नेट पास किया जा सकता है आप लोग क्या कर सकते हो ना यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है और अन अकेडमी पर हम स्पेशल uh, क्लासेस भी करते हैं ठीक है और हमारे जो प्रेड सब्सक्रिप्शन कोर्स हैं वो इतने फेमिलियर हैं तो आप बिना कोचिंग uh, मतलब इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तो आप ले सकते हैं देख लीजिए या यूट्यूब पे ना और स्पेशल क्लासेस पे हमारे साथ जुड़ जाइए अन अकेडमी के आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा नो डाउट ठीक है चलिए तो हम थे ब्रांच एंड ब्राउन फिफ्थ टेक्निक है आपके पास ब्रांच एंड ब्राउन को यूज करके आप अपनी एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं तीसरी है सिक्स्थ है आपके पास रैंडमाइज डिलगोरिथम ठीक है सिक्स टेक्निक कौन सी है आपके पास रैंडमाइज लिलगोरिथम रैंडमाइज लिलगोरिथम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं आज अपन इसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी थी ये लॉस वेगस एंड मॉन्टे कार्लो ठीक है आई होप सबको याद होगा जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं प्लीज़ अगर जिसने नहीं देखे हैं तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोज़ एक बार देख लेना ठीक है रैंडमाइज ललगौरथम एक हम एक रैंडम नंबर चूज़ करते हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लें ठीक है सेवंथ एंड लार नहीं सॉरी सेवन्थ अपनी है सेवन्थ टेक्निक है हमारे पास बैक ट्रैकिंग ठीक है सेवेंथ टेक्निक जिससे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम एल्गोरिथम को रन कर सकते हैं वो है मेरे पास बैक ट्रैकिंग लीनियर प्रोग्रामिंग इधर इंक्लूड नहीं हुआ है गाइस एट्थ वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है अपन आज डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग ये कौन सी टेक्निक है आपके पास मैं प्लीज़ गिव मी द शेड्यूल ऑफ योर यूट्यूब एंड एन अकेडमी हाँ जी बिल्कुल यूट्यूब पर देखिए uh... क्या नाम है आपका आकर्ष प्रभु बासु यूट्यूब पर हम रोज एक बजे आते हैं रोज एक बजे हम लाइव आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पे ठीक है लाइव चैटिंग करते हैं एक बजे और मंडे से हमारी स्पेशल क्लासेस का भी टाइम है वो मंडे से हम इसके जस्ट फॉलोड लेंगे जैसे एक से वन थर्टी तक हमारा यूट्यूब चल रहा है उसके जस्ट बाद में हम स्पेशल पे लाइव हो जाएंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल टू पी एम ठीक है हम अपना एक एक घंटे का स्लॉट ले रहे हैं अगर क्लास थोड़ा आगे पीछे हो जाती है तो उसका जस्ट फॉलोड अपन स्पेशल पे चल लेंगे आ, वहां पे आपके मंडे से थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन यूनिट स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स वी देर डोंट मिस इट थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेशन यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से और यूट्यूब पर हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है तो इससे क्या होगा आप यूट्यूब पे रोज एक बजे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नए नए टॉपिक्स पढ़ लोगे और आप आपकाडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेशन के नए नए टॉपिक्स पढ़ लोगे ठीक है तो आपको मेरे को स्लॉट देना है एक बजे से मैक्सिमम तीन बजे तक का ठीक है तीन साढ़े तीन बजे तक का स्लॉट मुझे मेरे साथ आपको बुक कर लेना है मेरे साथ आपको मीटिंग ये स्लॉट बुक कर लेनी है ठीक है ताकि आप सी Keep, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो ठीक है जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आप क्या करिए टेलीग्राम पे जरूर आ जाइए टेलीग्राम चैनल है हमारा ठीक है कंप्यूटर साइंस बाय काव्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो टेलीग्राम पे जरूर आ जाना ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेजती रहूं कि भाई क्लास चल रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है आपका कोई भी क्लास छूटे नहीं हेलो इंद्रजीत वेलकम फाइन और आपको सबको कल के सेशन में जरूर आना है मैराथन सेशन होने वाला है अपना कल का विथ ऑन एस क्यूएल प्रोग्रामिंग गाइज ऑन एस प्रोग्रामिंग ठीक है कल का सेशन एस क्यूएल प्रोग्रामिंग पर है एक से तीन बजे तक दो ढाई बजे तक अपन ये सेशन लेने वाले हैं मैं आपको पूरी की पूरी एस क्यूएल प्रोग्रामिंग कल के सेशन में समझाने वाली हूँ ओके गाइज ठीक है तो ये हो गई अपनी आठ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू साव एनी पर्टिक्युर एलगोरिथम ब्रूट फोर्स डिवइड एंड कॉर्नकर् ग्रीडी एलगोरिथम डाइनमिक प्रोग्रामिंग ब्रांच ब्रांच एंड बाउंड रैंडमज एलगोरथम बैक ट्रैकिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है आज अपन को इन सातों को ही डिस्कस करना है स्टार्ट करते हैं अपन अपने, अपने फर्स्ट टेक्निक से यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए कुछ भी बोलना हो अपन सारी की सारी टेक्निक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में कुछ भी डाउट है किसी को कुछ पूछना है कि मैम क्या होता है एल्गोरिथम्स के पे डिज़ाइनिंग पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टेक्निक से दैट इज़ ब्रूट फोर्स और एग्जॉस्टिव सर्च ओके गाइस यस तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टेक्निक है अपनी आज की दैट इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या एल्गोरिथम होती है देखो कि मान लो मैं आपको हर एल्गोरिथम को ना एक कंसेप्ट से समझाने वाली हूं और हर एल्गोरिथम को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आज के सेशन के बाद आप इन एल्गोरिथम में कभी नहीं अटकोगे और आई एम अश्योरिंग यू कि आपका जो कंसेप्ट है ना हर एक एल्गोरिथम हर एक ट्रिक हर एक डिजाइन का वो क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहली है हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स में क्या होता है मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है आपके पास एक पैटर्न है ठीक है आपका ए पिन ठीक है आपका क्या है ए टी एम पिन आपने जनरेट किया है ए <coughs> टीएम पिन आपने जनरेट किया है क्विक शॉट भी आता है हाँ जी बिल्कुल uh, और का प्रभु क्या अर का प्रभु बासु हाँ जी बिल्कुल रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम में रैंडमाइज्ड क्विक शॉट भी आता है वो उसका एग्जाम्पल है किसका लास वेगास एल्गोरिथम का प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लेना मैंने उसमें लास वेगास मॉन्टे कार्लो दोनों बताया है ठीक है तो उसमें आपको पता चल जाएगा लॉस वेगास एल्गोरिथम के क्या क्या एग्ज़ाम्पल है और मॉन्टे कार्लो के क्या क्या एग्ज़ैम्पल है बैक टू द टॉपिक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम पे अपन है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होती है मान लीजिए आपके पास है ए टी एम पिन एटीएम पिन का कॉम्बिनेशन मान लो हम रख लेते हैं टू फोर फाइव सिक्स ठीक है ये मेरा ए टी एम पिन का कॉम्बिनेशन है और मैं इस कॉम्बिनेशन को भूल गई ठीक है मैं क्या किया मैंने इस कॉम्बिनेशन को टू फोर फाइव सिक्स को हम क्या करा हम भूल गए कि जैसे गायब हो गया ना हमारी मेमोरी में से भी गायब हो गया कि यार टू फोर फ़ाइव सिक्स ऐसा करके कुछ कॉम्बिनेशन था मुझे अल्फाबेट्स तो याद हैं टू फोर फाइव सिक्स इतनी अल्फाबेट्स हैं लेकिन मेरा एटीएम पिन क्या है मैं भूल चुकी हूँ ठीक है तो आप जनरली क्या करते हो कोई भी पासवर्ड भूलते हो ना तो आप जनरली क्या करते हो कि उसके सारे पोमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखते हो ठीक है क्या क्या लगा के देखते हो टू फाइव फोर सिक्स लगा के देखोगे या फिर टू सिक्स फ़ाइव फ़ोर लगा के देखोगे या फिर सिक्स फाइव टू फोर लगा के देखोगे या फिर फाइव सिक्स टू फोर लगा लोगे या फोर सिक्स फाइव टू लगा लोगे बहुत सारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं बहुत सारे इस चार डिजिट के कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं ठीक है तो हम ये क्या करते हैं हम क्या करते हैं हमारे पास कोई एक पैटर्न गिवन प्रोवाइडेड होता है हमारे पास कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइडेड होता है और उस हम उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं इन रिस्पेक्टिव कि हमको कितना टाइम लगने वाला है ठीक है इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स ठीक है आपको टाइम के बाउंडेशन की कोई कोई टेंशन नहीं है आपको सिंपली क्या करना है जितने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आप यूज कर सकते हो ना उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को एक एक करके रन कराओगे सबको रन कराने के बाद में आपको एक पर्टिकुलर इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ में से एक आउटपुट मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर कहलाया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ठीक है एटीएम पिन का एग्जाम्पल जैसे हमने समझा कोई पासवर्ड आप भूल जाते हो सारे पासवर्ड आप लगा लेते हो ठीक है मान लो आपको चाबी आप भूल गए तो आपके पास एक पूरा की का गुच्छा है आप हर एक चाबी लगा लगा के देखोगे कौन सी चाबी सही है इस टेक्निक को किसी प्रॉब्लम को अगर हम इस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स सेलग ंडरस्टोड ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स क्या होती हैं बेसिकली आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स देख लेने हैं उस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए आर एग्जैक्टली वॉट दे साउंड लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट रिलाय ऑन शीयर कॉम्प्यूटिंग पावर एंड ट्राई every possibility rather than advanced techniques to improve efficiency आपको advanced technique efficiency को improve करने की कोई use नहीं कर रहे आप क्या कर रहे हो simply every possible method जो भी एक possible कितने भी possible methods हो सकते हैं सब को आप कंप्यूट कर रहे हो सारे पॉसिबल मेथड्स को आप रन करवा रहे हो इस टेक्निक किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हम इस टेक्निक से सॉल्व करते हैं वो एल्गोरिथम हमारी होती है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स मतलब ब्लंटली आपको एफिशिएंसी का फ़र्क नहीं पड़ता आपको टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता आपको सिंपली किसका फ़र्क पड़ता है कि भाई हमारा काम हो जाए बस ठीक है, ब्लंडली आप क्या कर रहे हैं अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स को चेक कर रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एफिशिएंट है या नहीं है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सिक्योर्ड है या नहीं है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जा रही है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है ठीक है इस एल्गोरिथम्स को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम अंडरस्टूड तो ये होती है आपकी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम मैं यहाँ पे आपको सिंपल एल्गोरिथम का कॉन्टेक्स्ट समझा रही हूँ उसके अपन कोड्स डिस्कस कर चुके हैं ठीक है यस नेक्स्ट एल्गोरिथम है अपनी डिवाइड इन कॉन्कर एल्गोरिथम डिवाइड इन कॉन्कर एल्गोरिथम्स अपनी क्या होती है आपको याद होगा बेसिकली एक प्रॉब्लम दी जाती है अपना सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इसका मर्ज सॉर्टिंग ठीक है सबसे बड़ा जो हमारा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं वो थी हमारी मर्ज सॉर्टिंग आपको एक एरे दे दी गई थी इस एरे को आपने पहले क्या किया फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया फिर आपने उसको टू टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फिर टू टू पार्ट्स के बाद में आपने सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर लिया ठीक है अब सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे जब सारी की सारी एक डिवाइड हो गई तब आप उनको फाइनली मर्ज कर रहे थे पहले आपने दो दो को मर्ज कर लिया फिर आपने फोर फोर को मर्ज किया और फिर फाइनली आपने एक सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करी फाइनली सारे के सारे एट्रीब्यूट फिर से मर्ज कर दिए गए तो यह होती है हमारी टेक्निक पहले हम उसको डिवाइड कर रहे हैं पहले हम उसको डिवाइड कर रहे हैं इंटू सब प्रॉब्लम यह आपकी जो एक प्रॉब्लम है वो डिवाइड होगी सब प्रॉब्लम में ठीक है फिर आप उन सब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे सॉल्व सब प्रॉब्लम्स इन सब प्रॉब्लम का इंडिविजुअली सोल्यूशन निकालेंगे और इन दोनों सोल्यूशन को फाइनली क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे एक प्रॉब्लम के फाइनल सोल्यूशन के लिए अंडरस्टूड ठीक है डिवाइड इन कौन प्रॉब्लम क्या होती है डिवाइड इंड कौन मेथड्स क्या होते हैं जब हम किसी एक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे उन सब प्रॉब्लम्स का हम इंडिविजुअली सोल्यूशन निकालेंगे ठीक है पांच लोगों का अलग से सोल्यूशन निकल रहा है पांच लोगों का अलग से सोल्यूशन निकल रहा है जब उन दोनों का अलग अलग से सोल्यूशन निकल जाएगा तब हम उन दोनों के सोल्यूशन को मर्ज कर देंगे इन टू सिंगल पर्टिकुलर क्लास सल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये टेक्निक होती है हमारी डिवाइड इन कॉन का इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मर्ज सॉर्टिंग हमारे इसके एग्जांपल्स हैं ठीक है मर्ज सॉर्टिंग के साथ साथ क्विक सॉर्ट भी हो सकता है ठीक है क्विक सॉर्ट हम डिवाइड इन कॉन का नहीं होती है, वो बेसिकली डायनेमिक इन नेचर होती है ठीक है यस ओके फाइड गाइज डिवाइड एंड कॉनकर क्या हुआ समझ आ गया आपको बेसिकली अगर इसकी अपन देखिए फॉर्म डिफिनेशन फॉर्म करें डेफिनेशन फॉर्म करने के लिए देखो बेसिक कॉन्टेक्ट आपको समझ आना चाहिए डेफिनेशन आप फॉर्म कर सकते हो इन डिवाइड एंड कॉनकर अप्रोच द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इन टू सेवरल सब प्रॉब्लम देन द सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व रिकर्सिवली एंड कंबाइंड टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल ये सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व करी जाती हैं रिकर्सिवली मतलब खुद को वापस वापस से कॉल करके ठीक है रिकर्जिवली आप सॉल्व करेंगे हर एक सब प्रॉब्लम को और फाइनली एक सोल्यूशन देंगे पूरी की पूरी प्रॉब्लम का एज एन होल द डिवाइड एंड कॉनका अप्रोच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स एट ईच लेवल सबसे पहले डिवाइड करेंगे डिवाइड द इंटू सब प्रॉब्लम्स फिर कॉन् करेंगे यानी कि कॉन्कर करने का मतलब हर एक सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना ठीक है आर सॉल्व रिकर्सिवली कौन कर मतलब क्या हुआ हर एक सब प्रॉब्लम्स को आप क्या कर रहे हैं उनका सोल्यूशन कौन का कर रहे हैं जीत रहे हैं उनको फाइन डिवाइड कर कौन का करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे उनको द सोल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड आर कंबाइंड टुगेदर टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स अंडरस्टूड ठीक है दो मेथड्स अभी तक अपन ने पढ़े ब्रूट फोर्स एंड डिवाइड इंड कौन का मेथड बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया आगे आपसे कोई एक सिचुएशन दे दी जाए आपको आपको बोला जाए कि हम क्या कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर पैटर्न है उसके सारे पॉसिबल पैटर्न डाल रहे हैं तो ये कौन सा मेथड है डिवाइड इंड कौन का ब्रूट फोर्स बैक ट्रैकिंग या डायनेमिक ठीक है अब मुझे नहीं लगता आप लोग अटकोगे कि उसको जल्दी से बताने के लिए कि भाई ये ब्रूट फोर्स है ठीक है आपको ऐसे ही कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा मेथड है ठीक है चलिए गाइज नेक्स्ट एल्गोरिथम नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट टेक्निक पे अपन स्विच करते हैं विच इज डायनम अच्छा ग्रीडी मेथड्स ठीक है डायनेमिक इसके बाद है नेक्स्ट टेक्निक है अपनी ग्रीडी मेथड्स क्या होते हैं ठीक है ग्रीडी मेथड को यूज करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाती हूँ कल एसक्यूएल प्रोग्रामिंग की क्लास है अपनी एक बजे बिल्कुल मत भूलना ठीक है यस गाइज ग्रीडी मेथड्स क्या होते हैं ग्रीडी नाम से ही समझ आ रहा है ग्रीडी है भाई ये तो ठीक है ये टेक्निक जो यूज़ करेगी ना वो ग्रीडी मेथड ग्रीड ग्रीड की तरफ से काम करेगी मतलब ग्रीड क्या होती है ना हिंदी में क्या हो? लालच ठीक है ये टेक्निक कैसे यूज कैसे काम करने वाली है लालची होने वाली है ये टेक्निक ठीक है लालची होने का मतलब क्या हुआ बेसिकली क्या करेगी ये टेक्निक देखो आपको सिंपल है ना पाथ को किसी पाथ को फॉलो करना था मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज या ऐसे अपन देख रहे थे ठीक है आपको किसी की भी पाथ को डिसाइड करना होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे आप कैसे डिसाइड करोगे आप सारे पॉसिबल आउटकम्स देखोगे और उसमें से एक बेस्ट को चूज कर लोगे ठीक है फिर ये ब्लू वापस से देखो सारे पॉसिबल आउटकम्स देख रहा है और एक बेस्ट को चूज़ कर रहा है ठीक है आप क्या करेंगे आपको इस काम को सॉल्व करने के आपको दस तरीके दे दिए गए ठीक है आपको इस काम को सॉल्व करने के लिए आपके दस तरीके दे दिए गए इन दस तरीके को आपको सॉल्व करना है इन दस तरीके को आप स्टडी करेंगे और उन दस में से आप कोई एक बेस्ट सूटेड तरीका चूज कर लोगे ठीक है आप यहाँ पे जो एक चीज इसको अलग बनाती है वो ये है कि हम क्या करते हैं हमारे पास पॉसिबली एक दो तीन चार मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे थर्ड तरीका बेस्ट लग रहा है ठीक है तो मैं इसको चूज कर लूंगी और मैं ये नहीं सोचूंगी कि क्या ये वाला जो तरीका है ये फ्यूचर में भी मेरे लिए सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ठीक है लाइव एग्जाम्पल से अपन समझे कि मैं आपको बोलती हूँ कि शॉर्ट कुछ एग्जाम को पढ़ना है आपको समझना है ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है ठीक है मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला लिख के दे दिया इस शॉर्ट फार्मूले को याद कर लो और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है ये तो तरीका क्या है शॉर्ट तरीका शॉर्ट ट्रिक यानी कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर इसी पे बेस्ड आ गया तब तो आप सॉल्व कर लोगे तब के लिए तो आप तब के लिए तो बहुत एफिशिएंट तरीका हो गया ये लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड कोई आ, आगे पीछे कोई क्वेश्चन आ गया तब आप वहाँ पे अटक जाओगे ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ग्रीडी अप्रोच में हमने सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की सोची हमने पास्ट सॉरी प्रेजेंट मोमेंट की सोची हमने फ्यूचर की नहीं सोचा ठीक है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो हमारा ग्रीड क्या कहता है थर्ड टेक्निक बेस्ट है लेकिन अगर हम फ्यूचर की सोचे तो भी क्या थर्ड टेक्निक बेस्ट है क्या पता हमारे लिए पहली टेक्निक अगर हम फ्यूचर की सोचे हमारे पास नए नोट जाते हैं नई एट्रीब्यूट जाती हैं तो क्या पता हमारा फर्स्ट टेक्निक सही हो जाता ठीक है इस प्रॉब्लम इस मैथर्ड जब हम इस मैथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो मेथड हो जाता है मेरा ग्रीडी मेथर्ड ठीक है हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जैसे देखो यहाँ पे पूरा ग्राफ बन गया था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे लग रहा है पांच में से पहली वाली सही है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगी उस पर काम करूंगी फिर वहां पे पहुंच के मैं और देखूंगी पांच में से इसमें भी पहली वाली सही है उसको पकड़ लेंगे ठीक है और प्रीवियस वाले के साथ कंपेरिजन्स करते चले जाएंगे प्रीवियस वाले के साथ कंपेरिजन्स करते चले जाएंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट पर आए हमने देखा वन टू थ्री तीन तीन आपके पास ऑप्शन थे मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट वाले को इस मोमेंट पर आए यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिले वन 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 टू वन थ्री आपने सेलेक्ट कर दिया थर्ड वाले को अब आप, आपको इसको भी चेक करना है प्लस आपको इस कंडीशन को भी चेक करना है ठीक है ग्राफिंग हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं बी एफ एस डी एफ एस एक बार आपने वो वाले वीडियोज वापस से देख लेना अगर आप किसी ने नहीं देखे हैं तो गाइज ठीक है ग्रीडी मेथड आपको समझ आ गया क्या होता है ग्रीडी मेथड आपको पॉसिबल तरी पॉसिबल वेज में से किसी एक बेस्ट सूटेड को चूज करना है और उसको आप चूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एफिशिएंट एफिशिएंसी के कारण आपने ये नहीं सोचा कि वो फ्यूचर में भी आपके लिए बेनिफिटेड रहेगी शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए अभी तो सही हो सकती है लेकिन अगर आप पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब वो शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी आपको लॉजिक को समझना ही पड़ेगा ठीक है तो इन ग्रीडी एल्गोरिथम ऑफ ऑप्टिमाइजिंग सोल्यूशन द बेस्ट सोल्यूशन इज चूज एट एनी मोमेंट ठीक है आपके हमेशा क्या होगा बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हो कितने भी रेड सोल्यूशन है उसमें से एक बेस्ट पिक कर दिया गया बेस्ट सोल्यूशन इज चूजन एट एनी मोमेंट अ ग्रीडी एल्गोरिथम इज वेरी इजी टू अप्लाई टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इट डिसाइड्स विच स्टेप विल प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट सोल्यूशन इन नेक्स्ट स्टेप ठीक है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तब हम बोल सकते हैं कि ग्रीडी एलगोरिथम हमारे लिए बहुत ही बेस्ट सुटेड है कैसे बेसिकली कैसे है हमारे लिए बेस्ट सुटेड हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारों में से एक बेस्ट तरीका ढूंढ के लाएगी हमारे लिए तो हमारे लिए बेस्ट सुटेड है ठीक है बेसिकली लेकिन इसकी जो एक डिसएडवांटेज है <coughs> वो क्या है एल्गोरिथम वर्क रिकर्जिवली क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉम्पोनेंट पार्ट्स रिकर्जन इज अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन विच

ठीक है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो वो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी लेकिन स्मॉलर इंस्टेंसेस के लिए आगे सॉल्यूशन के लिए वो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड वो बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए नहीं होगा ठीक है तो इस मेथड को हम बोलते हैं ग्रीडी मेथड्स फाइन गाइस ग्रीडी मेथड्स हो गए आपके ये आ, किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए आई एम वेटिंग समझ आ रहा है आगे बढ़े अपन यस कम ऑन बड़े आगे अपना डायनेमिक मेथड पे ठीक है चलिए ग्रेट ओके ग्रीडी के एग्जाम्पल्स अपने बेसिकली क्या हो प्रिम्स एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी थी याद हो तो आपको प्रिम्स एंड क्रूसकल ठीक है प्रिम्स में हम क्या कर रहे थे सारी एट्रीब्यूट्स को सॉर्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ए बी का साइज है फाइव बी सी बी डी का साइज है टू और डी सी का साइज है फाइव सिक्स uh, मान लीजिए तो हम इनमें से कौन सा सेलेक्ट कर रहे थे जो सबसे छोटा है और फिर उसको एम एस टी में इंसर्ट कर रहे थे फिर हम देखा था इससे बड़ा कौन सा है उसको हम एम एस टी में इंसर्ट कर रहे थे फाइन तो ये होती है आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम जब आप सारे पॉसिबल आउटकम्स देखते हो और एक पॉसिबल को सेलेक्ट कर लेते हो ओके मनोज अर्श आरती वेरी गुड गाइस ठीक है ग्रीडी पढ़ ली अपन ने ब्रूट फोर्स पढ़ लिया ठीक है ग्रीडी ब्रूट फोर्स हमने देख लिया ग्रीडी ब्रूट फोर्स एंड एक और कौन सी देखी थी हमने डिवाइड एंड कॉन का चलिए नेक्स्ट अपने पास टेक्निक जो आ रही है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो है डायनमिक प्रोग्रामिंग वेरी इंपॉर्टेंट होल एंड सोल ऑफ कंप्यूटर साइंस ठीक है अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं होती तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे एल्गोरिथम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते ठीक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है गाइज डायनामिक प्रोग्रामिंग कहता है कि जब भी आपको कोई सेट ऑफ़ आउटपुट दे दिया जाए बेसिकली देखो ये ग्रीडी की तरह ही काम करेगा लेकिन इसकी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हम क्या करेंगे हम पहले से ही ना सेलेक्ट नहीं कर लेंगे हम सारे पॉसिबल आउटकम्स को सेलेक्ट करके एक मेथड चूज कर ले हम ऐसा नहीं करने वाले हम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए सोचने का मतलब क्या हुआ हमको फाइनली फ्यूचर देखना है अपनी एल्गोरिथम का अगर मैंने ये तरीका चूज किया पांच में से मुझे ये तरीका अच्छा लग रहा है चलिए ठीक है मैं ये तरीका चूज़ कर लेती हूँ लेकिन अगर मैंने ये तरीका चूज़ किया कि तो क्या आगे की लाइफ में आगे के ऑपरेशंस में ये तरीका बेस्ट सूटेड है या नहीं है ठीक है हम उसको स्टडी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद हम उसी रिजल्ट को वापस से रिकर्सिवली काउंट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑर्डर की लाइन है एक पिकअप की लाइन है दो अलग अलग काउंटर्स होने की बजाय हमने बोला एक ही काउंटर है जो ऑर्डर एंड पिकअप को अब मर्ज कर देगा एक साथ में एक लाइन बनेगी जिसके साथ में हमने उसका कुछ ऐसा वेरिफिकेशन किया हमने उसमें ऐसे क्लासिफिकेशन परफॉर्म करे ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए ठीक है तो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है बेसिकली इस क्या करता है ये इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नीक सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स तो हैं विच डिवाइज द प्रॉब्लम इन टू समॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कंबाइंस ऑल द सोल्यूशन टू गेट द अल्टीमेट सोल्यूशन

ठीक है इन सारी की सारी को कौन कर कीजिए इन सबका सोल्यूशन देखिए है? इन सब का सोल्यूशन देख लिया अब आपने इन सब का सोल्यूशन देखने के बाद आप क्या करेंगे इन सब का सोल्यूशन देखने के बाद आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे अब यहां पे जो एक और चीज है डिवाइड एंड कॉन्कर से हट के वो ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर में ना आपको जो प्रीवियस सोल्यूशन होता था तो आपको उसका ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करना पड़ता था लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे कि जब मुझे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन सब प्रॉब्लम ये ऑपरेशन चाहिए ये आउटपुट को देखना है इस आउटपुट को देखना है इस सोल्यूशन का आउटपुट को देखना है तो मैं रिकर्जन्स कॉल कर सकती हूँ रिकर्जन्स क्या होते हैं बेसिकली आप किसी फंक्शन को वापस से कॉल कर रहे हो ठीक है रिकर्जन्स क्या होते हैं बेसिकली आपने एक फंक्शन क्रिएट किया आपने दूसरा फंक्शन क्रिएट किया इस फंक्शन के अंदर आप वापस से अपने आप को कॉल कर सकते हो ठीक है रिकर्जन्स आई होप सबको क्लियर होगा ठीक है जब हम एक किसी फंक्शन के अंदर वापस से उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसकी वैल्यू को कॉल कर कॉल कर सकते हैं एक बार जब मैंने वो टास्क परफॉर्म कर लिया एक बार जब मैंने टू फैक्टोरियल फाइंड कर लिया तो आगे जब मुझे टू फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टू फैक्टोरियल वापस से काउंट ना करके सिर्फ और सिर्फ इसका जो रिजल्ट है वो कॉल कर लूँ ठीक है अगर एक बार मैंने टू फैक्टोरियल फाइंड कर लिया अपने प्रोग्राम में और आगे मुझे फिर से फोर फैक्टोरियल में टू फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो टू फैक्टोरियल को मैं फिर से काउंट ना करूं मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ा के हम क्या करें उस फंक्शन में जिसमें मैंने टू फैक्टोरियल काउंट किया था मैं उसको कॉल कर लूँ वापस से और मेरी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूज़ हो जाए ठीक है मनोज वेरी गुड रिकर्जन्स व्हेन फंक्शन कॉल इट क्या फ़ायदा होता है इसका जब आपको एक टास्क सॉल्व आपने कर लिया बार बार सॉल्व क्यों करना उसी वैल्यू को फाइंड आउट करिए ना एक आपके पास फैक्टोरियल फिब, फिबुना की सीरीज आपके पास आप प्रोग्राम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में सबको पता होगा नहीं अगर किसी को याद तो अपन सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तब अपन ये सारे प्रोग्राम्स डिटेल में विथ लॉजिक डिस्कस करेंगे ठीक है गाइस तो फिबोनाकी फैक्टोरी फिबोनाकी सीरीज में क्या होता था फिब फिब फाइव हमने बना ली फोर और थ्री बना लिया ठीक है फिब फोर के लिए मुझे फिब फिब फोर के लिए मुझे फिब थ्री और फिब टू बनाना पड़ेगा सॉरी फिफ्ट थ्री बना आऊंगी तो फिफ्ट टू और फिफ्ट वन चाहिए ठीक है अब यहाँ पे फिफ्ट वन में वापस से रिकलकुलेट नहीं करूंगी उस फंक्शन को कॉल कर लूंगी यहाँ पे फिफ्ट टू के लिए मैं रिकल्कुलेट सॉरी फिफ्ट जीरो के लिए हम रिकैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ से वापस से कैलकुलेट कॉल कर, कर लेंगे तो ये होता है रिकर्जन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप डिवाइड तो करते हो हर एक प्रॉब्लम के सब हर एक प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया एक बेस्ट सूटेड तरीका उठा लिया ठीक है लेकिन यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है वो यहाँ पे आ जाती उाइल है डायनेमिक यूज सब कंबाइन ऑल द सोल्यूशन ठीक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं अपने सोल्यूशन को रीयूज भी कर सकते हैं ठीक है डिवाइड एंड में हम रीयूज नहीं करते हम उसको वापस से कैलकुलेट ही करना पड़ता है यस yes, गाइज यहां तक क्लियर है आगे बढ़े डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको डिवाइड करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वैसे वैसे फेस करते चलो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यही एग्जाम्पल है अपना लिंक लिस्ट ठीक है लिंक लिस्ट में आपके पास एक नोड बना ली दूसरी नोड आ गई तो वहाँ पे इंसर्ट कर दिया तीसरी नोड आ गई तो इंसर्ट कर दिया ठीक है क्यूज़ हैं आपके पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टैक है आपके पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सबके सब क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ओके okay? यस गाइज नेक्स्ट अप्रोच अपने पास जो होने वाली है ये देखो यहाँ पे आई गया बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम फाइन नेक्स्ट अप्रोच जो आपके पास होने वाली है वो है आपकी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम के लिए वही वाला एग्जाम्पल लूंगी मैं कल के जैसा सुडूको का एग्जाम्पल ठीक है कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सुडोको का गेम होता है आपका इस तरीके का जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ठीक है ये इस तरीके का गेम होता है इसमें आपको बोल दिया जाता है कि क्या करो इसमें आपको वन टू नाइन फिलिंग करनी है रोज में वन टू नाइन फिलिंग करनी है कॉलम्स में एनपी हार्ड एनपी कम्प्लीट ये वाले में भी देखा था और रैंडमाइज में भी देखा था ठीक है येस गाइज सुडोको गेम और ये आपके ब्लॉक्स हैं इसमें भी आपको वन टू नाइन करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व एक एल्गोरिथम ऐसी भी होनी बन चाहिए बन बनानी पड़ेगी हमको जिस एल्गोरिथम में देखो एक टास्क मैं परफॉर्म कर लूँ ठीक है आपको सेट ऑफ़ कंडीशन दे दी गई कि भाई ये तीन सेट ऑफ़ कंडीशन हैं ठीक है तीन कंडीशंस आपको दे दी गई कि वन टू नाइन की फिलिंग होनी चाहिए रो में वन टू नाइन की कॉलम में और वन टू नाइन की एक एक ब्लॉक में ठीक है तो फर्स्ट स्टेप में मैंने जो सल्यूशन ढूंढा फर्स्ट स्टेप में जो मैंने सल्यूशन ढूंढा वो मेरा सेटिसफाई कर रहा है इन तीनों कंडीशंस को लेकिन क्या होगा जो सेकेंड स्टेप में आप फिर से दूसरा सोल्यूशन जो ढूंढने वाले हो सोल्यूशन नंबर टू जो आप ढूंढने वाले हैं वो सोल्यूशन को आपको वापस से फर्स्ट वाले से वेरीफाई करना पड़ेगा ठीक है वापस से क्या करना पड़ेगा फर्स्ट वाले से वेरीफाई करना पड़ेगा तब आप बोल सकते हो कि हाँ जी ये भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये भी कर रहा है ऐसे ही थर्ड आप नंबर डालोगे सुडूको में उसके लिए भी आपको सेकेंड को भी वेरीफाई करना पड़ेगा फिर फर्स्ट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा और थर्ड को तो वेरीफाई करना पड़ेगा ही ठीक है ऐसी फीलिंग होती है सुडोको गेम सबको आई होप सबको पता होगा फिलिंग कैसी करी जाती है मान लीजिए इस नंबर इस पोजीशन पे मुझे नंबर फिल करना है तो मैं नंबर फिल कर दूं ठीक है इस नंबर वन पे फिल करना है तो नंबर फ़िल कर दूं लेकिन इसको फ़िल करने के साथ साथ में मुझे क्या देखना पड़ेगा जो पहले नंबर में फिल करती आई हूँ ठीक है तो ये टेक्निक होती है हमारी बैक ट्रैकिंग टेक्निक बैक ट्रैकिंग टेक्निक। जिस टेक्निक में हम क्या करते हैं इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू सॉल्व कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स ठीक है जिसमें आपको कंडीशंस प्रोवाइड करा दी जाए जो जो आपकी कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं इट इज़ अप्लाइड to both programmatic and real life problems problem prob uh, computer uh, computer science and applications ki bhi problems pe aap apply kar sakte hain plus real life problems pe bhi aap apply kar sakte hain theek hai eight queen problem sudoku puzzle are going through a maze are popular examples where backtracking algorithm is used ठीक है sudoku puzzle तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आपको एक particular condition के बाद वापस से चेक करना पड़ेगा कि previous condition satisfy हुई है कि नहीं हुई है ठीक है तो ये है आपकी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम इन बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम वी स्टार्ट विद अ पॉसिबल सोल्यूशन विच सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन देन वी मूव टू नेक्स्ट लेवल

अगर हो रही है तो आगे बढ़िए अगर नहीं हो रही है तो आपको इसको थ्री को हटाना पड़ेगा और इस वन को भी चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे वाप से अब आप थ्री डाल के देखो कि यहाँ पे थ्री आ जाए यहाँ पे वन आ जाए तो सेटिस्फाई होगा क्या ऐसे ही करते हैं अपन सुडूकों को सॉल्व अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है यस जल्दी से मुझे बता दो लाइव में लाइव चैट में किस किसने सुडूको सॉल्व कर रखा है ठीक है क्योंकि बहुत ही माइंड ब्लास्टिंग गेम होता है ये ठीक है तो जल्दी जरूर से ना इसको ट्राई करा करो इसमें क्या सारे दिमाग की खिड़कियां खुल जाती है बहुत ही अच्छा गेम है और कौन सी एल्गोरिथम यूज करी जाती है इसको सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम आज के बाद कभी क्वेश्चन आ जाए कि सुडूको गेम को क्वींस एट क्वीन प्रॉब्लम जो अपन डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को यूज सॉल्व करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज करी जाती है दैट इज बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स ये गाइस करा है क्या किसी ने सुडूको को सॉल्व कम एनी वन बहुत ही अच्छा गेम लगता है मुझे बेसिकली uh, सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि पहले वाला सेटिस्फाई uh, हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर उसको भी चेंज करो फिर उसको भी चेंज करो एंड सो ऑन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये अपनी सारी की सारी टेक्निक्स अपन ने डिस्कस कर ली नेक्स्ट टेक्निक जो अपने पास आ रही है वो आ रही है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक ठीक है नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास आ रही है वो है ब्रांच एंड बाउंड अच्छा अर्श ने नहीं किया अर्श देखना एग्जाम ना न्यूज़पेपर्स में आते हैं सुडूको के क्वेश्चंस हाँ पहले करा करते थे अब नहीं करते ठीक है लेकिन आइडिया तो सबको होगा आई आई थिंक सुडोको का आइडिया सबको होगा कि भाई ये गेम होता है और उस गेम को आपको ऐसे सॉल्व करना है ठीक है ऐसे आपका टावर ऑफ अनाओ का भी क्वेश्चन है वो भी बैक ट्रैकिंग है कि आपको क्या करना है तीन डिस्क दे दी गई इन तीन डिस्क को इस पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना है एक छोटे से बड़ा कोई लेकिन एक रूल लगा दिया किसी भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आप प्लेस नहीं कर सकते हो ठीक है तो उसमें भी आपको बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम को यूज करना पड़ेगा <coughs> बहुत टाइम लेता है और हाँ तभी तो ना तभी तो उसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है बैक ट्रैकिंग फाइन नेक्स्ट एल्गोरिथम है अपनी ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक में आप क्या करते हो सिंपली हर एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग को हर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम में हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन को सर्च करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को सर्च करते हैं पूरे के पूरे ट्री की डेप्थ तक ठीक है क्या करते हैं जा... याद कीजिए मैंने आपको यस याद कीजिए मैंने आपको ट्रैवर्सिंग बताई थी ग्राफ की ठीक है जिसने भी वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज देख लेना वापस आई एम अगेन रिपीटिंग प्लेलिस्ट में जाके यस ठीक है ग्राफिंग की ग्राफ की ट्रैवर्सिंग करते हैं तो ग्राफ की ट्रैवर्सिंग दो टाइप से हो सकती है बी एफ एस ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डी एफ एस डेप्थ फर्स्ट सर्च सबको याद होगा ठीक है डेप्थ फर्स्ट सर्च का याद हो अगर ब्रेथ का तो बाद में बात कर लेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च का याद हो आपको तो आपके पास अगर ये ग्राफ प्रोवाइडेड है ना तो वो ग्राफ क्या करता है सबसे पहले ना एक कोई भी रूट नोड हुई तो उसकी डेप्थ तक जाता है ठीक है डेप्थ पे जाने के बाद उसकी फिर बैक ट्रैकिंग करता है है? आप इसके एडजेसेंट नोड्स देखेंगे इस नोड पे चला गया मान लीजिए बी फिर इसके एडजेसेंट नोड्स देख लीजिए इसके नोड पे चला गया मान लीजिए डी तो हमने क्या बोला हम इसकी डेप्थ तक जाएंगे हम इस पूरी प्रॉब्लम को डेप्थ में स्टडी करेंगे और हम उसका एक ऑप्टिमल सल्यूशन को फाइंड कर लेंगे ब्रांच एंड बाउंड हमको उसको ब्रांच बनानी है हमको उस प्रॉब्लम्स की ब्रांच बनानी है उसका एक सोल्यूशन फाइंड करना है ठीक है यानी कि 369 की मैंने ब्रांच क्रिएट कर ली ये चार ब्रांच क्रिएट कर ली मैंने एक फ़ाइनल सोल्यूशन सेलेक्ट कर लिया इसकी मैंने तीन ब्रांच बनाई मैंने एक सोल्यूशन सर्च कर लिया इसकी मैंने दो बनाई सोल्यूशन सर्च कर लिया और फाइनली मुझे एक फ़ाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया कि भाई इस पूरे के पूरे ग्राफ का एक ऑप्टिमल सोल्यूशन पॉसिबल है दैट इज़ दिस ओके okay, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को एक एनालाइज कर रहे हैं ओके okay, निकेश अर्श आइडिया होना ज़रूरी है था बस प्रॉब्लम को सॉल्व कर वो तो वो भी है अपना गेम बहुत सारे हैं जो सॉल्व नहीं होते सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप पता होना चाहिए कि भाई इस प्रॉब्लम की इस इन सेट ऑफ़ गेम के ये रूल्स हैं फाइन चलिए ब्रांच एंड ब्राउंड का समझ आया कंसेप्ट क्या बोलना चाह रहा है हमने उसके पॉसिबल ब्रांचिंग क्रिएट करी और हर ब्रांचिंग के बाद हमने एक बाउंड बना दिया और उस बाउंड को हमको फिजिबल करना था उस बाउंड को हमको सेलेक्ट करना था एज एन ऑप्टिमल सल्यूशन ठीक है इसका ब्रांच एंड ब्राउंड का एग्जाम्पल है आपका डी एंड डी ठीक है जिसमें हम क्या करते थे हम उसके पूरे के पूरे डेप्थ में जाते थे एक नोड को सेलेक्ट करते थे अगर वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो वेल एंड गुड नहीं तो हम क्या करते थे फिर बैक ट्रैकिंग करते थे कौन कौन सी नोड्स रह गई फाइन तो ब्रांच एंड ब्राउड में हम बोल सकते हैं द ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम इज सिमिलर टू बैक ट्रैकिंग बट इज़ यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ठीक है बैक ट्रैकिंग के लिए ही यूज़ किया गया है बैक ट्रैकिंग जैसे उडोको में हम बैक ट्रैकिंग के का ही एक सब पॉइंट सब टेक्निक बोल सकते हैं लेकिन इसमें हम क्या फाइंड कर, कर रहे हैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वहां पर तो सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे हम यहाँ पे हम उसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं एंड देन हम उसको फाइनली कह रहे हैं कि भाई येस दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सर्च बाउंड फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन पार्शल सोल्यूशन आर डिटरमाइंड ठीक है एट ईच लेवल द बेस्ट बाउंड इज एक्सप्लोर्ड फर्स्ट द टेक्निक इज कॉल्ड बेस्ट बाउंड फिट जैसे यहां पे आपने बाउंड क्रिएट करे एक दो तीन चार ठीक है इसमें से बेस्ट बाउंड को सेलेक्ट कर लिया इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलते हैं बेस्ट बाउंड फिट बेस्ट बाउंड फिट ठीक है इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है एक बार यूजीसी नेट में कि व्हाट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस्ट फिट आपके पास एक ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग कौन सी आप टर्म को सेलेक्ट करेंगे ठीक है बेसिकली आपको क्या देखनी है उस कंडीशन को देखनी है और बेस्ट फिट मतलब इन सब में से बेस्ट सूटेड कौन सी है ठीक है तो बे बी एफ एस सॉरी ब्रांच एंड ब्राउंड में हम क्या करते हैं हर एक नोड को एक्सप्लोर करते हैं सारे के सारे पॉसिबल तरीकों में और उसमें से एक बेस्ट बाउंड फिट को सेलेक्ट कर लेंगे इफ द कंप्लीट सोल्यूशन इज फाउंड देन द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी यूज टू प्रून पार्शल सोल्यूशन दैटीज एक्सीड्स द बाउंड अगर मुझे यहाँ पे मेरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया ठीक है अगर मुझे यहाँ पे मेरा एक कंप्लीट सोल्यूशन क्रिएट मिल गया फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी यूज टू प्रून पार्शल सोल्यूशन दैट एक्जीड्स द बाउंड अब मैं क्या करूँ मेरे को एक बाउंड मिल गया फोर थर्टी फाइव ठीक है तो अब इस पूरे के पूरे ट्री में पूरी की पूरी प्रॉब्लम में जो मेरे इस अपर बाउंड को एक्सीड कर रहा है मैं उसको प्रून कर सकती हूँ मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ ठीक है हम क्या कर सकते हैं उसको रिमूव भी कर सकते हैं तो अब अब मैंने क्या बोला मेरे पास इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया मुझे 435 अब मैं इसके इससे जो भी एक्सीड वैल्यू है इसको रिमूव कर दी मैंने इन सबको मैंने हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया अपने पर्टिकुलर ट्री में से और सिर्फ और सिर्फ जो 435 से छोटी वैल्यूज़ हैं वो मेरे ट्री में एग्जिस्ट करेंगे वो मेरे प्रॉब्लम्स में एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि अपर बाउंड जो मैंने जो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ 435 ठीक है तो ऐसे ही करना है आपको बांस एंड राउंड में आपको सारे के सारे पॉसिबल सोल्यूशन देखने हैं उसमें से एक बेस्ट सूटेड को सेलेक्ट करना है एक्सप्लोर करना है बेस्ट बाउंड फिट जैसे ही आपको बेस्ट बाउंड बाउंडफिल्ट मिल जाता है आपके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है सारी की सारी दूसरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो उसको एक्सीड कर रहे हैं जो उस बाउंड लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं आप इसको रिमूव कर दीजिए आप उनको प्रून कर दीजिए ठीक है यस yes, गाइस यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए बहुत सारी टेक्निक्स अपन डिस्कस कर चुके हैं ब्रांच एंड बाउंड डिस्कस कर ली अपन ने बैक ट्रैकिंग क्या होती है ये देख लिया ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है ये देख लिया अपन ने देख लिया डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपन ने देख लिया ब्रूट फोर्स अपन ने देख लिया एक और क्या देखा था डिवाइड इन कॉन को एंड यस एल्गोरिथम एल्गोरिथम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्लीज जो भी नए जुड़ रहे हैं वो पूरा का पूरा वीडियो जरूर से देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आता ही है इस पे यस एनी प्रॉब्लम चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट टेक्निक को डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड रैंडोमाइज तो पढ़ ही चुके हैं वे मैम अश हिंदी में बोलो यार समझ नहीं आया क्या लिखा है पंजाबी थोड़ी मुश्किल है यस yes, गाइस एक बार और बता दो आ, ब्रांच एंड को बता दो सुनील ब्रांच एंड में सिंपली क्या कर रहे हो देखो ध्यान से आपको क्या करना है आपको इस चलो आपको इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है ठीक है इस प्रॉब्लम को एनालाइज यहाँ पे तो एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे तो एक नंबर दिया हुआ है अगर मैं आपको बोलूँ कोई सेट ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं ठीक है थीके? उसका सोल्यूशन फाइंड कीजिए तो आप क्या करोगे उस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करोगे उस प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलोगे ठीक है आप उसके पॉसिबल आउटकम्स देखोगे कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं मान लीजिए चार पॉसिबल आउटकम्स उसके हो सकते हैं ठीक है डी एफ एस याद कीजिए डी एफ एस डेप्थ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम कैसे ट्रावसिंग कर रहे थे ग्राफ की ठीक है ऐसा आपको एक ग्राफ प्रोवाइडेड था उस ग्राफ में आप पहले ए नोड देख रहे थे और उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सी सेलेक्ट कर रहे थे एडजस्टेंट में से कोई सी भी एक ठीक है बी एफ एस में आप क्या करते थे सारे के सारे सेलेक्ट करते थे ये स्टैक पे काम करता है ये क्यू पे काम करता है ये आपका डिफरेंस जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखा है प्लीज़ आप एक बार देख लेना यस ठीक है तो आपने इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया मान लीजिए बी को फिर आप वापस से डेप्थ में गए फिर आप वापस से डेप्थ में गए आप उसकी पहले डेप्थ में जा रहे हैं एंड देन फाइनली आप उसका डेप्थ में जा रहे हैं एंड देन फाइनली आप उसका मैक्सिमम आउटपुट uh, जो है ऑप्टिमल आउटपुट जो है वो फाइंड कर रहे हो फाइन ऐसे ही यहाँ पर देखो इसका आपने ब्रांचिंग क्रिएट करी ये चार इसके ब्रांच हो सकते हैं इसमें आपने सबसे ऑप्टिमल सबसे मिनिमम को सेलेक्ट कर दिया ठीक है थ्री सिक्स थ्री नाइनटी सिक्स के भी ब्रांच क्रिएट करें कि भाई हमारे डेटा सेट्स में ये चार वैल्यूज हो सकती हैं इसमें सबसे ऑप्टिमम सबसे मिनिमम को सेलेक्ट कर लिया इसकी भी ब्रांचेस क्रिएट करी इसके में भी सबसे मिनिमम को सेलेक्ट कर दिया और फाइनली आपको एक ऑप्टिमल सेल्यूट मिल गया. तो आपने क्या कर दी ब्रांचिंग तो पूरी कर ली अब बात है ब्रांचिंग हो चुकी ब्रांच एंड ब्राउंड दो है ना ब्रांचिंग तो कर ली हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया अब क्या करना है हमको बाउंड करना है बाउंड मतलब ये जो आपके पास एक सोल्यूशन आया है इसके ऊपर सारे के सारे रिजल्ट को क्या कर दीजिए बाउंड कर दीजिए ठीक है इसके ऊपर सारे के सारे रिजल्ट को बाउंड कर दीजिए मतलब क्या हुआ जो भी वैल्यूज इससे ऊपर एक्सीड कर रही हैं जिस भी फंक्शन की वैल्यूज इससे एक्सीड कर रही हैं वो हम रिमूव कर देंगे अपने ट्री में से ठीक है फोर थर्टी फाइव से बड़ी वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज ये मेरी ट्री से रिमूव हो जाएंगी अंडरस्टूड तो दिस टेक्निक इज नोन एज ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मैम प्लीज़ एक्सप्लेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगेन हाँ जी रोनी मैं आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बता देती हूँ एक बार मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग बता दूँ फिर मैं आपको डायनेमिक जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो वो वाली अपन वापस से डिस्कस कर लेंगे। यस गाइस लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है बेसिकली आपको पता है लीनियर फॉर्मेट में जो सर्च कर रहा है लीनियर फॉर्मेट में जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो कौन सी प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है जैसे लीनियर सर्च में हम करते थे ना लीनियर सर्च हम हाइएस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे हैं ठीक है फिर उसको थर्टी से कंपेयर कर रहे हैं थर्टी हमको मिल गया भाई सेकेंड थर्ड पोजिशन पर ठीक है तो हमको सर्चिंग करनी है एक पहले थर्टी मान <coughs> थर्टी थ्री मान लीजिए ढूंढना है तो पहले टेन से कंपेयर करो फोर्टीन से फिर नाइनटीन से ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव थर्टी वन एंड देन थर्टी थ्री यहाँ पर आपको आपका फाइनल आउटपुट मिल जाएगा कि भाई ये रहा तो लीनियर सर्च क्या होता है जो एक लीनियर फॉर्मेट में सर्चिंग कर रहा हो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है जो एक लीनियर प्रोग्रामिंग में अपना काम कर रहा हो एक के बाद एक के बाद एक कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा फाइन लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्क्राइब्स द वाइड क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जॉब दर बोथ द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटीरिया एंड कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर फंक्शन दोनों हैं ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटीरिया एंड कॉन्स्टेंट्स जो आप उस पर कंडीशंस लगाने वाले हो <coughs> दोनों के दोनों क्या होने चाहिए <coughs> लग गया है. सॉरी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए आपके लीनियर फंक्शंस होने चाहिए लाइक फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया भी लीनियर फंक्शन होना चाहिए एंड कॉन्स्टेंट जो आप लगा रहे हो वो भी एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए टेक्निक टू गेट बेस्ट आउटकम लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट शॉर्टेस्ट पाथ लोएस्ट कॉस्ट इन दिस प्रोग्रामिंग ठीक है मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड करना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबके प्रॉफिट को कंपेयर करना पड़ेगा ठीक है आप फर्स्ट एंड सेकेंड के प्रॉफिट को कंपेयर करो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ले लो ठीक है अब वो मैक्सिम मैक्सिमम वैल्यू और थर्ड में से कंपेयर करो उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू ले लो फिर मैक्सिमम वैल्यू थर्ड इसके नेक्स्ट के साथ कंपेयर करो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ देन देन एंड सो ऑन पूरी की पूरी लिस्ट में आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने एक लीनियर फॉर्मेट में कंपैरिजन कर रहे हैं लीनियर फॉर्मेट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग शॉर्टेस्ट पाथ एम हम फाइंड कर रहे थे ठीक है एम हम फाइंड कर रहे थे प्रिम्स एंड क्रूसकल वो भी एक लीनियर फॉर्मेटिंग ही थी आपको एक नोट से दूसरी नोट पे पहुँचे फिर दूसरी नोट से तीसरी पे पहुँचे तीसरी से फोर्थ पे पहुंचे फिफ्थ पे पहुंचे एंड सो so ऑन ठीक है तो ये भी आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग ही हो गई वेन वी सेटिस्फाईड एब्सोल्यूट वैल्यू टू देम सेटिस्फाई सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू मैक्म मिनिमाइज अ गिवन लीनियर फंक्शंस ठीक है ये अपन लीनियर इक्वेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं डिटेल में गाइज ठीक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन है तो वो अपन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में करेंगे बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हो गई कि आपने सेट ऑफ इक्वेशन दी टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव तो ऐसे फंक्शंस जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें ठीक है ऐसी वैल्यूज जो एक इक इक्वेशन में सेटिस्फाई करें वो होते हैं हमारे लीनियर फंक्शंस तो इन जो लीनियर फंक्शंस को यूज करके आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वो हो जाती है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग ओके तो ये आपकी इतनी टाइप्स की एल्गोरिथम इतने टाइप्स की डिज़ाइन टेक्निक्स हो सकती हैं किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए गाइज फाइन कल अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीवन जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं कल एक बजे हमारा मैराथन सेशन है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग पे डोंट मिस इट गाइस एंड शेयर एज मच एज यू कैन जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर कीजिए यस yes. uh, रोनी को समझना था डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो डायनमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है रोनी देखना ध्यान से ठीक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है हाँ जी सुनील आप रोज़ मांगते हो मैं रोज़ भूल जाती हूँ आज मैं आपको सारी की सारी पॉजिटिवली पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे येस गेस ठीक है हाँ जी तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है रोनी देखना बेसिकली आपने क्या करा किसी एक फंक्शन को जैसे डिवाइड एंड कौन कर में कर रहे थे ना वही करना है किसी एक फंक्शन को डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया ठीक है आपकी एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया ये आपकी सब प्रॉब्लम हो गई और एक सब प्रॉब्लम ये हो गई और एक सब प्रॉब्लम आपकी ये हो गई ठीक है इन सब प्रॉब्लम्स को आपने सोल्यूशन फाइंड किया इसका सोल्यूशन मान लीजिए सल्यूशन टू है इसका सोल्यूशन मान लीजिए सल्यूशन वन है ठीक है अब इन दोनों सल्यूशन्स में से आपको बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन को चूज करना है पहली बात तो ठीक है बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन को चूज करना है मान लीजिए इसमें आपका टाइम लग रहा है ओ एन और इसमें आपका टाइम लग रहा है ओ एन स्क्वायर फाइन तो इनमें से बेस्ट सोल्यूशन हमने कितने टाइम कम टाइम में लिया ये वाला सोल्यूशन हमने कम टाइम में लिया तो हमने इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर लिया फ़ाइन अब ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बेनिफिट अलग से प्रोवाइड कराई गई डाइन अनलाइक डिवाइड एंड कौन वो जो है वो है प्रॉपर्टी रिकर्जन्स की प्रॉपर्टी ठीक है रिकर्जन्स में क्या होता है आप लोग देख देख देखोगे कि कोई फंक्शन को आपको फिर से कॉल करना होना तो आप कर सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया मैंने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल का ठीक है उस फैक्टोरियल में मैंने क्या किया फ़ाइंड किया एक नंबर मैंने इनपुट ले लिया सीन में मैंने नंबर ले लिया फ़ाइव और फाइव का फैक्टोरियल रिटर्न कर दिया ठीक है फाइव का फैक्टोरियल कोई आप कोड लिख दोगे और रिटर्न कर दोगे फाइव की वैल्यू अब आपने इस फाइव की वैल्यू रिटर्न कर दी अब आपको नया वैल्यू पास करनी है आपने नया फंक्शन क्रिएट कर नए वैल्यू के लिए आपको नई वैल्यू फंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम अग, हमको अगर फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू बार बार चाहिए तो हम इस फंक्शन को कॉल करते रहें रिकर्जन्स का लॉजिक मैं आपको सी प्रोग्रामिंग में डिटेल में डिस्कस करूँगी डोंट वरी रोनी अगर समझ नहीं आ रहा हो रिकर्जन्स का कंसेप्ट तो अपन सी प्रोग्रामिंग में इसको डिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है का लॉजिक, ठीक है तो आपने क्या किया डायनेमिक में अगर मान लीजिए फाइव को दो फिबना में डिस्ट्रीब्यूट किया फिब फोर एंड फिब थ्री फाइन फिफ फिफ फोर हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उसके फर्दर कॉलिंग करेंगे फिफ्थ थ्री एंड फिफ्ट टू अब यहाँ पे देखो मैं फिफ्थ फाइव को फिफ्ट फोर फिफ्थ थ्री में कर चुकी हूँ तो यहाँ पे जब मुझे फिफ्थ थ्री की रिप्रेजेंट जरूरत पड़ेगी ना मैं इसको वापस से कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एक बार कैलकुलेट कर चुकी हूँ ठीक है तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी इस फिफ्थ थ्री को कॉल कर लूँगी यहाँ पे फिफ्ट टू मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे फिफ्ट टू यहाँ पे फिफ वन अब यहाँ पे फिफ टू भी वापस आया तो हम इसको वापस से कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे हम यहाँ से इसको कॉल करेंगे यहाँ से कॉल करेंगे फिफ वन वापस से आ गया इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे हमको वापस से क्या करना है वन को कर लेना है तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि आपकी प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम में भी हो रही है और एज इट इज एक्सेस कर पाओगे ठीक है तो दिस पर्टिकुलर टाइप की प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्रामिंग हम टाइम के साथ साथ चलेंगे हम उसकी एफिशिएंसी को मेन क्राइटेरिया देंगे कि भाई साहब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना ऐसे अगर आपको फिफ टू बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े फिफ बम बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है है ना तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज करनी है आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है ऑप्टिमम सोल्यूशन भी देता है करेक्ट आंसर देता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ कम होता है इसलिए हम बोलते हैं हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ट सूटेड है फॉर वर्किंग पर्पसिस इसका आपको एग्जाम्पल मैं बता ही चुकी हूँ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैक्स हो गए क्यूज़ हो गए आपके क्यूज़ लिंगलेस ये सब की सब क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशनस ही हैं ठीक है ठीके? अब आपका टास्क क्या है आज का गाइज आपका टास्क ये है कि हमने आज अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना जितने भी लॉजिक्स पढ़े हैं पूरे डेटा स्ट्रक्चर में पिछले तीन हफ्तों से ठीक है क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर्स लास्ट थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स बोल दिया थ्री वीक से डिस्कस कर रहे हैं थ्री या टू वीक्स अब हम हमको हो चुके हैं तो जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़ी है ना सारी की सारी टेक्निक्स का आप क्या करेंगे बाइफोगेसन करेंगे कि कौन सी टेक्निक किस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करी गई ठीक like है लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने सर्चिंग पढ़ी है सॉर्टिंग पढ़ी है तो कौन सी सर्चिंग कौन सी पर्टिकुलर टेक्निक इंसर्शन सर्शन सर्ट जो है वो किस टेक्निक को यूज़ करके लीनियर टेक्निक को डायनमिक को ग्रीडी uh, को और कौन कौन से पढ़े अपन ने बैक ट्रैकिंग ब्रांच एंड बाउंड इन सातों में से कोई एक टेक्निक को यूज़ करके वो सल्यूशन हमने ढूंढा है तो आपका आज का टास्क यही है आपको फाइंड करना है गाइज कि आपने कौन सी पर्टी कौन सी वो टेक्निक है जिसके वज कौन सी टेक्निक हमने यूज़ करी है उस पर्टिकुलर सल्यूशन को फाइंड करने के लिए ठीक है तो ये आप करना एज एन प्रैक्टिस ले लीजिए एज एन टास्क ले लीजिए कल अपन मिलेंगे एक बजे गाइज ठीक है डोंट फूगेट दिस टाइम एट एनी कॉस्ट कल हम पूरी की पूरी एसक्यूएल डिस्कस करेंगे तो जिसको भी एसक्यूएल देखो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था हंड्रेड एंड टेन परसेंट आता है ठीक है हंड्रेड परसेंट भी नहीं लिख रही हूँ मैं हंड्रेड एंड टेन परसेंट आता है तो डोंट फूगेट टू अटेंड दिस क्लास एट वन पी एम टूमोरो मैराथन सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है मंडे से हम नई नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अन अकेडमी ऐप पर और यूट्यूब पर ठीक है गाइज़ तो ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको इस वीडियोस को ठीक है आपको जल्दी से क्या करो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आ जाओ काव्या कोड को यूज़ करके आपको फ्लैट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आइकन दबा दीजिए एंड येस टेलीग्राम चैनल पर आना बिल्कुल मत भूलना जो भी लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं प्लीज़ जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस बाय काव्य हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उसका लिंक आई होप ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रह रहे हैं ठीक है ऐसा ना हो कि हम पढ़े जा रहे हैं और आप भूलते जा रहे हो इनका एक नोट्स बनाते रख चलो फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि ये सारे के सारे ना टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो एक कॉपी मेंटेन कर लो यूट्यूब और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म मंडे से उसमें मैं जो जो पढ़ा रही हूँ ना कॉपी में खुद से लिखो नोट्स क्रिएट करते चलो ताकि जो कंसेप्ट है ना वो आपके क्लियर होते चले खुद से लिखोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ओके okay, नीलेष विदिता सुनील रोनी फाइन तो मिलते हैं अपन कल फिर परसों अपना क्विज सेशन होगा दो घंटे का जिसमें मैं सारा डेटा स्ट्रक्चर्स और एसक्यू प्रोग्रामिंग के क्विजेस दूंगी आपको अप्रोक्स अपन डिस्कस करेंगे अप्रोक्स सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके गाइज तो सी यू ऑल टुमारो एट वन पी फॉर एस प्रोग्रामिंग डोंट फोरगेट एंड शेयर एज मच एज